हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टू पी वी आर स्टडी तो छात्रों जैसा कि आप जानते हैं एवरी नाइट रात्रि के आठ बजे से आपकी क्लास होती है सुपर टेट सी टेट और ये यू की कम्बाइंड क्लास तो उसी के क्रम में आज हम उपस्थित हैं आपकी ये क्लास नंबर सेवनटीन लेकर के है ना आज ये डे सेवेन्टीन है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है इस क्लास को पूरा एंड तक देखना ओके बीच में बिल्कुल मत जाना आज हम पढ़ेंगे आवर्त दशमलव क्या पढ़ेंगे आवर्त दशमलव तो ध्यान देना ये आवर्त दशमलव क्या होता है चूँकि हमारा चैप्टर भिन्न वाला चल रहा है तो ये उसी से कुछ संबंधित है आवर्त दशमलव को बच्चा इंग्लिश में रिकूरिंग डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश तो मुझे बहुत अच्छा नहीं आता लेकिन मैं यहाँ पे आपको मतलब बता दूँगा देखो बाकी हिंदी में तो बताऊंगा बहुत अच्छा ठीक है रिकरिंग डेसिमल।, डेसिमल डेसिमल आपने वो सुना होगा किसी संख्या पर जब बार लगा होता है है ना अमन मसीह जी बिल्कुल गुड इवनिंग प्रियंका जी गुड इवनिंग सुष्मिता सुमित्रा और कौन है भाई आसफा परवीन, विनीता संध्या मोहित पंकज कुमार जी बिल्कुल बहुत अच्छे चलो बच्चे देखो ध्यान दो अवर तो का मतलब ये होता भैया विनय कुमार चौधरी जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा देखो अब सबका नाम लेना संभव नहीं है आगे चलो क्लास में चलते हैं जैसे इधर साइड एक एग्जाम्पल देखिए जब कोई नंबर पे बार बार कोई चीज़ रिपीट होता है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो भाई तीन का भाग करो पांच में तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पांच में तीन का भाग करने का मतलब तीन एक कम तीन घटाने पे आया दो क्यों यही तो आएगा ना भाई ऊपर आप डेसिमल बढ़ा के नीचे सुन्ना उतारोगे फिर तीन चंग अठारह फिर क्या करोगे दो आएगा फिर जीरो उतार लोगे क्योंकि एक बार डेसिमल के बाद बार बार आप जीरो उतार सकते हो फिर छः बार जाएगा अठारह फिर से आप घटाओगे फिर से आप यहाँ सुन्ना उतार सकते हो ये कुल मिला करके ऐसे जाता रहेगा यहाँ अठारह आता रहेगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई साहब ये कभी कटेगा ही नहीं मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा तो इसे हम लोग देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि ये वन पॉइंट सिक्स के ऊपर बार ये बार जो होता है ना ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं बाकी मैथमेटिक्स की भाषा में इसे आवर्त दशमलव बोलते हैं क्या बोलते हैं आवर्त दशमलव बोलते हैं बच्चा देखो बेटा ये आवर्त दशमलव दो प्रकार के होते हैं एक शुद्ध होता है एक अशुद्ध होता है ऐसे बोले तो हाँ अब देखो शुद्ध और अशुद्ध नहीं उसे मिश्रित बोलते हैं वैसे ये क्या होते हैं ध्यान देना हरिवंश जी अनुराग कुमार पंकज और भाई बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं देखो अब समझो इधर साइड में ये क्या होते हैं आवर्त दशमलव होते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल और मैं लिख रहा हूँ तुम लोग कमेंट करके बताना उसका दशमलव में उत्तर क्या होगा जैसे पाँच बटा अठारह दूसरा देखो पाँच बटा अठारह और तीसरा लिखो बच्चा तीन बटा सात तो भैया इनका आप मुझे बताओ जब इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा जल्दी से हर कोई आंसर बताएगा फटाफट कोशिश करो बाबू चलो 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 जल्दी रेडी 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 फटाफट बताओ क्या आएगा इसका हरिवंश तुमको ब्लॉक कर देंगे बच्चा ठीक है तुमको पढ़ना लिखना है नहीं चलो देखो इनको अगर आप भाग करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा ज़ीरो पॉइंट टू सेवन 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 सेवन, सेवन. बार बार सेवन सेवन रिपीट होगा जैसे इसमें सिक्स सिक्स हो रहा था वैसे पहले जीरो जाएगा चूंकि अठारह का भाग जाएगा नहीं फिर सेवन सेवन रिपीट होगा तो इनको हम लिख सकते हैं ऐसे बस सेवन के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं ठीक है समझ गए ना इनको लिख लो जल्दी से फटाफट लिख लो भाई हरिवंश यादव आप पी बी आर स्टडी के चैनल नंबर एक पे देखो बेटा ठीक है वहाँ बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है आप वहाँ पे पूछ सकते हो वहाँ पे पढ़ो आप वहाँ पे पढ़ो बहुत सारे वीडियो आते हैं बेसिक वाले ये कंपटीशन वालों के लिए यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो आप चाहते हो अगर इनको आप भाग करोगे इनको तो आपको मिलेगा क्या पता है आपको ये बड़ा अजीब सा नंबर मिलेगा यार भाग करके मुझे बताओ चलो सभी बच्चे कमेंट करके बताओ भाग में करूँ क्या कर लोगे ना यार चलो लिखो जल्दी करो अरे वो अजीब सा आएगा यार करके दिखाऊँ क्या बड़ा लंबा हो जाएगा चलो तुम लोग भाग कर लेना फोर टू एट और ये कई नंबर एक ही साथ रिपीट होंगे ठीक है इसमें फाइव सेवन वन ये इतने नंबर बार बार रिपीट होंगे मतलब जैसे इसमें केवल सेवन रिपीट हो रहा था इसमें केवल सिक्स रिपीट हो रहा था वैसे इसमें ये सभी रिपीट होंगे तो इन्हीं को क्या बोलते हैं आवर्त दशमलव बोलते हैं अब आप कहोगे कि ये तो सब में होता है सब में नहीं होता है सब में नहीं होता देखो अगर कोई और भिन्न आप ले लो तो वह या तो कट जाती पूरा पूरा जीरो आ जाता है या फिर कोई शेषफल आता है लेकिन ऐसा नहीं होता है मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो ऐसा नहीं होता है ठीक है <coughs> जैसे अगर कोई और भी एग्जाम्पल आप लेके देख लो मैं इधर साइड में दिखा दूँ आपको सेटिस्फाइड होना मतलब हमारा ये होता है टारगेट तो देखिए आप लोग क्वेश्चन करोगे तो हम बेहतर समझा पाएंगे हाँ चलो एकदम क्लियर दिख रहा है ना लाइट वाइट तो कम नहीं ना चलो देखो जैसे मान लो एक फ्रैक्शन में छोटा सा दे दूं प्यारा सा इधर साइड में दिख रहा है दिख रहा है जैसे मान लो नौ बटा सात नौ बटा सात करोगे देखो इसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जाएगा एक निश्चित जगह पे रिपीट नहीं होगा जैसे मान लो नौ में सात से भाग करोगे सात ए कम सात घटाने पर आ गया दो ऊपर दशमलव बढ़ा के आप जीरो उतारोगे सात दूना चौदह घटाने पर आ गया छः जीरो सात अठे छप्पन हाँ ठीक है सात अठे छप्पन इस तरह से अगर आगे देखते जाओ तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी आ, वो क्या है ध्यान दीजिए ये घटाओगे तो चार आएगा बच्चा और फिर अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा सब नई नई गिनती दिख रही जीरो उतारोगे सात पचे पैंतीस फिर घटाए कितना आया पाँच हाँ फिर जीरो आएगा फिर सात सता उनचास हाँ यार ये भी तो कुछ ऐसे बन रहा भाई हाँ सात सता उनचास घटाने के बाद फिर एक आ गया एक आ गया और फिर सात एक कम सात मतलब एक निश्चित संख्या नहीं आ रही कुछ ये गड़बड़ होता चला जा रहा है है ना नेट सोलो चल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं तो ये सभी किसी नंबर के अंतर्गत एक प्रकार से नहीं आएंगे इनका कोई परिणाम नहीं है बाकी बहुत सी संख्याएं जो कट जाती हैं तो आपको इसमें क्या समझ में आया ये भैया इनमें से किसी भी प्रकार की मतलब उसमें नहीं है ना तो ये आवर्त है शुद्ध में है ना ही अशुद्ध में है आवर्त दशमलव दो प्रकार का होता है एक शुद्ध होता है एक मिश्रित होता है अब आप लिखो आवर्त दशमलव के प्रकार चलो हेडिंग डालिए जल्दी करिए लिखिए आवर्त दशमलव के प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल आवर्त दशमलव के प्रकार लिख लिए आवर्त दशमलो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं शुद्ध आवर्त दशमलो भिन्न लिखो इनके टू टाइप होते हैं टू टाइप होते हैं इधर नहीं दिख रहा होगा तो यहीं तक करो भैया यहीं तक करो ये लो यहीं तक करो आ, एक इधर साइड में चलो आ? बड़ा दूर तक दिख रहा है ना उधर अरे इसको इधर खींच लाओ यार काय हुआ तक ले जाओगे लिखो शुद्ध और ये मिश्रित क्या लिखोगे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न ठीक है अब समझो पूरी कहानी समझो आप लोग इधर साइड में क्या है भैया इधर साइड में है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न अब देखिए दोनों में अंतर समझना शुद्ध आवर्त दशमलो भिन्न देखिए एक शुद्ध होता, होता है एक मिश्रित होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है हम उसी चीज़ को यहाँ पे बताने वाले हैं शुद्ध आवर्त दशमलव मतलब जिसमें कोई मतलब नंबर रिपीट करे बस बाकी और कुछ ना आए जैसे एक एग्जांपल ले लो अगर आप एग्जांपल ले लो अगर आ, तो मान लो ज़ीरो पॉइंट थ्री टू ये बार बार रिपीट हो रहा है ज़ीरो पॉइंट फाइव हाँ अगर मान लो ये बयालीस पचासी और इकहत्तर वाला ये ये मैंने गलत पढ़ा ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको दशमलव के बाद है तो इसको बयालीस पचासी नहीं पढ़ोगे दशमलव के बाद इसको एक एक अंक पढ़ोगे ठीक है ये सभी क्या है शुद्ध आवर्त दशमलव है इसके अलावा बच्चा जो मिश्रित वाला होता है जैसे मिश्रित वाले में एग्जाम्पल देख लो टू पॉइंट सेवन इस पर बार लगाओ दूसरा वाला देख लो कुछ भी नंबर जिसमें एक पूर्ण संख्या भी हो और प्लस ये आ, रिपीट वाली संख्या भी हो उन्हें क्या बोलते हैं इन्हें मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बोलते, है। बोलते हैं इनको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं शुद्ध का मतलब आप ये देखो इसमें कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में शून्य है इसमें स्टार्टिंग में शून्य है इसमें भी शून्य है इसमें कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन इसमें देखो उनतीस पूर्ण संख्या है इसमें दो एक पूर्ण संख्या है यानी एक प्रकार से बोलें तो ये पूर्ण और अपूर्ण संख्या है। दोनों प्रकार की इसमें नंबर शामिल हैं ये क्या है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बच्चा अगर इनका शॉर्टकट में तुम आंसर निकालना चाहोगे तो ये सत्ताईस माइनस दो और अपान कितना हो जाएगा पता है आपको नब्बे ठीक है देखो मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको ट्रिक के बारे में बता दू तो वो क्या होगा वो ये होगा कि इस तरह के सवाल में हम कैसे उनका मान निकालते हैं आपको पता है जिस अंक पे बार नहीं लगा है उस अंक को पूरी संख्या से घटा देते हैं और नीचे नौ लिखते हैं जितनी गिनती पे बार नहीं लगा है उतना बार जीरो बढ़ा देते हैं ठीक है तो एक ही गिनती पे बार नहीं लगा इसलिए एक जीरो बढ़ा अगर इसका हमें मान निकालना है तो क्या करेंगे पता है इसका मान निकालने के लिए बच्चा उनतीस छप्पन में से क्या घटाओगे आप जिस पे बार नहीं लगा वो गिनती घटाएंगे उनतीस उसके बाद यहां पे नौ लिखेंगे और नौ लिखेंगे सिर्फ अकेले नहीं दो बार लिखेंगे नौ नीचे दिख रहा है कि नहीं बता देना देखो नौ इसलिए लिखेंगे दो बार चूंकि यहाँ पे दो गिनती पर बार है और शून्य कितना बार लगाओगे जितने गिनती पे बार नहीं है तो दो गिनती पे बार नहीं है तो दो शून्य इनको आप लोग घटा लो उनतीस सत्ताईस आएगा उनतीस सत्ताईस बटा ये नाइन नाइन डबल जीरो आएगा बच्चा ठीक है ये इनका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है संध्या सिंह जी बिल्कुल करेक्ट बहुत अच्छी कोशिश की आपने बिल्कुल विनय जी बहुत अच्छे चलो देखो इधर साइड देखो भाई इधर देखो ये सिंपल होता है इसमें जितनी गिनती पे बार लगा है उसको लिख के और उसके नीचे जितनी बार सॉरी जितना डिजिट है उतना नौ लिख देंगे जैसे इसमें एक ही अंक है तो एक बार नौ हाँ इसमें देखो बच्चा ये कितने अंक हैं इसमें तुम गिन लो तो तीन दो दो चार दो छः ना तो इसमें छः बार नौ लगाओगे हाँ ये बयालीस पचासी इकहत्तर ये छः बार नौ ये ट्रिक है ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ये जो जुगाड़ बता रहा हूँ ना ये ट्रिक है ठीक है जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उनका परिणाम कुछ ऐसे ही आता है ये क्या देखा आपने शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त दशमलव भैया क्लास को भी लाइक करो ना बाबू ये क्लास तो नई नई चल रही है अभी बच्चे बहुत ज़्यादा लाइव नहीं आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाते तो हम हैं मेहनत तो करते हैं ना हाँ बताओ मेहनत तो मुझे करना पड़ता है ना चलो जल्दी से सभी जितने भी साथी जुड़े हैं अगर आप इसे यूट्यूब या फेसबुक पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो लाइक जरूर करें ठीक है और अगर आप लाइक करेंगे उत्साह बढ़ाएंगे तो हम ऐसे पूरा कोर्स आपको देंगे यूट्यूब पे सब कुछ पूरा फ्री मिल जाएगा अब घर बैठे सीख पाएंगे ये यूपी टेट सीट सुपरटेट के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्लास है याद रखना इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं आता है ठीक है इससे ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं आता है आ, इसके अलावा इसमें और भी चीजें पढ़ना है वो क्या है उनके बारे में हम बताएंगे पहले इनको मिटा देते हैं आप लोग हेडिंग डालो अगला हेडिंग डालो हेडिंग डालो भैया दशमलव भिन्नों में सूत्रों का प्रयोग करना दशमलव भिन्नों में सूत्रों का प्रयोग अब देखिए दशमलव भिन्न के जो सवाल आते हैं उनमें फार्मूले का यूज करके हम मान कैसे निकालते हैं ये चीज आप ध्यान देना ठीक है संध्या जी देखिए सब बच्चे अलग अलग क्लास के हैं ना तो हर बच्चे इसमें हर एक क्लास में नहीं जुड़ते हैं और कुछ बच्चे हमारे ऐसे इतने अच्छे हैं कि वो हर एक क्लास देखते हैं तो उनको तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो हर एक क्लास देखते हैं बाकी सभी बच्चे हर एक क्लास नहीं देखते हैं ये बात है चलिए अब क्या करेंगे हम लोग हमने कहा कि आप हेडिंग डालो दशमलव भिन्नों में सूत्रों का प्रयोग करना दशमलव भिन्नों में सूत्रों का प्रयोग करना सूत्र तो आपको मैंने स्टार्टिंग में याद करवाए लिखो जैसे क्वेश्चन है ऐसे आपकी परीक्षा में भी आएगा यूपीटेट सीटेट सुपरटेट जो भी स्टूडेंट हैं ध्यान दें यहाँ पे दो ही नंबर हैं एक तो सेवन पॉइंट थ्री फाइव है क्वेश्चन uh, लिखो सेवन पॉइंट थ्री फाइव इंटू सेवन पॉइंट थ्री फाइव ठीक है ये है बच्चा इसमें माइनस का साइन लगा बीच में ये सिक्स पॉइंट टू इंटू सिक्स पॉइंट टू ठीक है ये दिया गया है नीचे इसमें दिया गया भाई वो का दिया गया लिखो 1 1 1.5 1.15 फाइव वन हाँ ये दिया गया है 1.15 दिया गया है अब कह रहा है इसमें सूत्र का प्रयोग करिए बताओ सूत्र का प्रयोग इसमें हो जाएगा क्या इसमें फार्मूले का यूज कर सकते हो इसका आंसर कितना आएगा सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी करिए कितना आएगा इसका आंसर सोच के बताओ कोई बताएगा इसका आंसर बस देखोगे इसे मुंह बना के चलो देखो यहाँ पे हम एक जुगाड़ करते हैं वो क्या है यहाँ मानते हैं माना ए की जगह पे सेवन पॉइंट तीन पांच मान लो भैया हाँ सेवन पॉइंट थ्री फाइव और बी की जगह पे आप सिक्स पॉइंट टू मान लो ठीक है ये चीज़ें मान लोगे तो फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा अंकिता मौर्य ये कलाफ रात्रि के आठ बजे से शुरू होती है तो इस तरह से आपका ए गूढ़े ए हो जाएगा तो भैया ए का स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये बी का स्क्वायर बन जाएगा नीचे आपका वन पॉइंट वन फाइव ही रहेगा क्योंकि अलग तरह का सवाल है ना ये फार्मूला हमने पढ़ा है जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है होता ना बच्चा ये होता है हम सबको पता है पता है इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं उसके बाद क्या करोगे नीचे वन पॉइंट वन फाइव जो भी है उसको वैसे ही लिख लोगे ठीक है उसको वैसे ही आप लिख लोगे तो आप एक काम करोगे लिख के वो क्या करोगे पता है नीचे जो जैसे है वैसे लिख दो इनको कुछ मत करो हाँ इनको कुछ करो ही ना तुम जाने दो अब देखो ए और बी के मान रख दो ए का मान कितना है भाई सेवन पॉइंट थ्री फाइव और माइनस बी का मान सिक्स पॉइंट टू है इस तरह से बच्चा इसमें भी रखोगे इसमें भी आप रखोगे ये लो सिक्स पॉइंट टू नीचे वन पॉइंट वन फाइव दिख तो रहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कोई डाउट नहीं ना अब इधर साइड में कर सकता हूँ देखो अब हम जो भी चीज़ करेंगे ऊपर करेंगे इनको दोनों को घटा के देखते हैं यहाँ पे, आ, ये लो साइड में मैं इनको सब ट्रैक करूँगा ठीक है आठ बजे से क्लास चलती इधर देखो सेवन पॉइंट थ्री फाइव से बच्चा सिक्स पॉइंट टू सब ट्रैक करोगे सब ट्रैक करते समय ध्यान रहे कि दस हमलों के नीचे दस हमलो रहेगा फाइव के नीचे कुछ नहीं तो फाइव आएगा थ्री से टू गया वन आएगा पॉइंट ये वन आएगा यानी इसको घटाएंगे तो वन पॉइंट वन फाइव आएगा इसकी जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं वन पॉइंट वन फाइव इन टू इन दोनों को जोड़ना है तो बच्चा अब इन दोनों को जोड़ोगे बाबू तो ये पाँच रहेगा ये तीन दो पाँच हो जाएगा अब ये जुड़ जाएंगे इसी पे तीन दो पाँच अब ये सात छः तेरह इस तरह से तेरह दशमलव पाँच पाँच आएगा तो हम इन्हें लिख सकते हैं तेरह दशमलव पाँच पाँच नीचे वन पॉइंट वन फाइव ये पहले से दिया था शुरू से ही दिया था दिया था ना हाँ फिर ये वन पॉइंट वन फाइव ऐसे कट जाएगा फाइनल में थर्टीन पॉइंट फाइव फाइव ये क्या आएगा इसका आंसर यही आएगा कुछ और आएगा आप लोग कोशिश करके देखो Uh, हमें तो लग रहा है यही आएगा जैसे दिया उसके अकॉर्डिंग है ना यही आएगा ना भैया क्यों यही आएगा कुछ और आएगा यार करके देखो और फिर मुझे बताओ चलो थर्टीन पॉइंट फाइव फाइव यही आएगा इस तरह से हम क्या करते हैं इनमें सूत्रों का प्रयोग करते हैं जैसे क्वेश्चन मैं आपको और दूं अगर तो उनको आप लोग कर लोगे टाइम ज्यादा हो रहा है वैसे मुझे अगली क्लास भी देखना है तो बच्चे अगर इसमें आने लगे ढेर सारी संख्या में तो मैं इस क्लास को काफ़ी बड़ी चलाऊँ मतलब एक एक घंटे दो दो घंटे वाली चलाऊँ लेकिन यार आप लोग जुड़ते नहीं हो दर्द इस बात का होता है ना कि आप लोग जुड़ते नहीं हो संख्या में ज़्यादा चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे उनको आप ध्यान से देखना और उनको लिखना उनको घर से करना ठीक है घर से करोगे ज़्यादा बेहतर होगा और हमारे लिए भी आपके लिए भी करोगे ना चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से सभी बच्चे लिख लें इसमें अधिकांश वो बच्चे जुड़ते हैं जो प्रीमियम कोर्स लिए हैं तो प्रीमियम कोर्स वाले बच्चे क्या हैं कि उनके पास टाइम होता नहीं है तो वह हर समय जुड़ते नहीं हैं क्वेश्चन लिखो 1.3 और 0.7 का जोड़ा इसमें। आ, है इसमें ये होमवर्क है होमवर्क है 1.3 1.3 पॉइंट हाँ माइनस जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन इनको हल करोगे जीरो पॉइंट सेवन वन पॉइंट थ्री इनको हल करके आंसर बता लेना बता लोगे ना भैया आएगा ना समझ में चलो अभी बता दो कोई बहुत आसान है एकदम सिंपल है ये एकदम सिंपल है ये वेरी सिंपल है चलो एक क्वेश्चन और इसी में तीन वाला है इसी पे आधारित मैं दे दे रहा हूँ ये लो पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री इंटू वन पॉइंट थ्री उसके बाद माइनस 0.7 0.7 0.7 अब ध्यान देना इनको लिखो जल्दी से फटाफट आदित्य कुमार बच्चा बताओ कैसे वो ठीक हो ना चलो लिखो जल्दी करो हाँ, इन इनमें दो बार इनका गुड़ा करो अरे जैसे फार्मूला होता है इन टू बी लिखो वन पॉइंट थ्री इंटू वन पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट सेवन और प्लस ना जीरो पॉइंट सेवन इंटू ज़ीरो पॉइंट सेवन जल्दी इनका मान निकाल के मुझे बताओगे आप दो क्वेश्चन घर से करोगे और फिर मैं बताऊंगा इसको अगली क्लास में अगर आप पूछोगे तो ठीक है तो ये क्लास पी स्टडी टू चैनल पर एवरी नाइट आठ बजे से शुरू हो जाती है सभी जितने भी साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि वो पढ़ सकें ठीक है समझ रहे हो ना भैया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आप पढ़ सकें और कोई अगर दिक्कत है कोई डाउट है तो आप निसंकोच हमें उसे कमेंट करके बता दें आ, देखो मैं सामने से थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ हाँ जिससे कि आपको क्वेश्चन दिख जाए ये पीछे गिर जाएगा टेबल भी गिरने वाला है हाँ इसलिए मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता हूँ अब सवाल दिख रहा है ना लिख लो और भैया लाइक करो यार क्लास को थोड़ा मोटिवेट करोगे तब कुछ होगा है ना मेरा दिन चिल्लाऊ आपके लिए मज़ा नहीं आती मुझे तुम लोग ना लाइक करो ना शेयर करो भाई सबको नहीं बोल रहा हूँ बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से तो हम यहाँ पे हैं है ना चलो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दिल से रात्रि के नौ बजे से आना बेसिक मैथमेटिक्स चलेगी जैसे कि चार दिन चल रही जो भी उसके बाद फिर डीएलएड वालों की नई बैच होगी आप सभी आना जरूर थैंक यू